नमस्कार, जीवन राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं जितेंद्र। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। खबर नागौर जिले के नवा सिटी से है, जहां उपखंड सहित आसपास के क्षेत्र में अवैध बजरी व मुरट खनन परिवहन का कारोबार परवान पर है। अवैध बजरी व मुरट खनन के ओवरलोड भरे हुए डंपर व ट्रक बेकोप दड़कले से निकलते हुए देखे जा सकते हैं। वहीं खुलेआम अवैध रूप से बजरी व मुरट का खनन कारोबार भी परवान पर है। दिन दहाड़े अवैध बजरी मुरट खनन व परिवहन के माफिया सभी कानून कायदों को ताक में रखकर दिन दुगना रात चौगुना की तर्ज पर अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं। वही मोटी चांदी काट रहे हैं, जो अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। नवा उपखंड सहित आसपास के क्षेत्र में धड़कले से अवैध खनन के रूप में बजरी व मुरड का खनन का कारोबार दिन दुनी रात चौगुनी के हिसाब से फल फूल रहा है। प्रशासन की नाक के नीचे से रोजाना दर्जनों डंपर व ट्रक अवैध बजरी व मुरट खनन से भरकर निकल रहे हैं। नवा मुख्यालय सहित आसपास के क्षेत्र में अवैध खनन व परिवहन का कारोबार बेखौफ जारी है, लेकिन प्रशासन, पुलिस, खनिज विभाग व राजस्व विभाग आंखें मूंदे हुए बैठा है। इस अवैध कारोबार के खिलाफ प्रशासन द्वारा किसी प्रकार की प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही है। कभी कभार होने वाली फौरी कार्रवाई में खननकर्ताओं पर खास असर नहीं हो रहा है। खनन माफिया नदी नालों व अपनी खेतों की बजरी का खनन कर बेच रहे हैं। बजरी का दोहन कर नवा उपखंड व आसपास के क्षेत्र सहित निकटवर्ती है कई जिलों में बजरी पहुंचाई जा रही है। कभी कभार एकाध विभाग की ओर से नवा मुख्य मार्गों से गुजरते बजरी के डंपर व ट्रोलियां जब्त कर औपचारिकता पूरी की जाती है। अवैध बजरी खनन व परिवहन में दर्जनों डंपर व ट्रक नवा से गुजरते हैं। इसकी पड़ताल करने के लिए मंगलवार व बुधवार को दिन में व रात में पड़ताल की गई, जिसमें सामने आया कि अवैध बजरी व मुरड खनन माफिया दिन दहाड़े अवैध कारोबार को धड़ल्ले से अंजाम दे रहे हैं। इसमें काम में आने वाले अधिकतर डंपरों, ट्रकों व ट्रैक्टरों के नंबर प्लेट तक नहीं है। चालकों ने साफ कर रखा है या काले रंग से पुतवा रखा है, जिससे ये वाहन बिना नंबर के किसी की भी नज़र में नहीं आ सकते। डंपर व ट्रक चालक इतनी तेजी से चलते हैं कि यदि कोई दुर्घटना भी हो जाए तो डंपर व ट्रक व ट्रैक्टर के नंबर किसी को पता नहीं चल सके। इसके बावजूद पुलिस व प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। नवा सिटी से मनोज गंगवाल की विशेष रिपोर्ट।